हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक बुटीक। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट कटिंग करना सिखाऊंगी, जिससे कि आप सिर्फ दो नाप से ही, मींस एक लंबाई और एक हिप साइज़ से ही आप आसानी से पैंट कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, हम कपड़ा लेंगे, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब आप उसको भीड़ी तय में किनारे से किनारे मिला के नीचे वाले हिस्से को हम 2 इंच ऊपर निकाल रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हम हमेशा जब भी पैंट कटिंग करते हैं हम बैक का हिस्सा लंबाई में ज़्यादा रखते हैं, तो इसीलिए मैंने 2 इंच ऊपर निकाल लिया है ये। इससे आसान आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी, बार बार निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा हिप साइज़ होता है, जैसे कि 13.3 आएगा, उसमें से आप 2 इंच घटा देंगे तो वो रह जाएगा 11.3। अब 11.3 का भी हम हाफ में निशान लगाएंगे। अब देखिए, 11 जितना हम घटाने के बाद, मतलब 11.3 आया है, तो हम उतना ही आसन लेंगे। आप 11 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने 11 आसन लिया है, आसन की लंबाई ली है 11। अब इसमें हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, जिससे हम आसन की गोलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आसन की गोलाई कर ली। हमने लेंथ की टोटल लेंथ की लंबाई नहीं लगाई, हमें जैसे कि मैंने बताया कि आपको हमें 33 लेंथ चाहिए है, हम उसमें से भी 1 इंच घटा के निशान लगाएंगे। मैंने 32 का निशान लगाया है। ये क्यों लगाया है 32 का? क्योंकि अभी हम इसके ऊपर बेल्ट भी ऐड करेंगे। मार्जिन लेने के बाद जैसे हमने ऊपर 11 का आधा 5.5 का निशान लगाया था, उसी तरह से ही हम नीचे भी एक निशान लगाएंगे और उसके दोनों साइड 3.5 इधर और 3.5 किनारे वाली साइड ले लेंगे। अब उस निशान को हम ऐसे आसन से मिला देंगे। आसन के बिल्कुल सामने वाली सीध में ही हमने स्केल को दूसरी साइड पलटा है और उसको इस निशान को और ऊपर वाले निशान को मिला देंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। अब जैसे हम कटिंग करेंगे तो अब ये चार पल्ले हैं, मतलब 2 आगे के 2 पीछे के, लेकिन इसको हम सिर्फ नीचे से लंबाई में दोनों चारों पल्लों को इकट्ठा काटेंगे और किनारे वाली साइड से इकट्ठा काटेंगे। इस तरह से। अब जो ये आसन वाले साइड से हम सिर्फ 2 पल्लों को उठाएंगे, सिर्फ 2 पल्ले। हाँ जी, अब जो ये निशान लगाया है इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे। ये आसन की सीध भी ऐसे जैसे निशान के ऊपर से काटेंगे बिल्कुल। अब ये फ्रेंड्स, हमारा आगे वाला हिस्सा कट चुका है, अब हम पीछे वाला काटेंगे। जो हमने ये ऊपर 13 इंच का निशान लगाया था सबसे पहले, अब उसी की सीध में हम आसन के लिए एक लंबी लाइन खींचेंगे, इस तरह से। देखिएगा फ्रेंड्स, नीचे वाला कपड़ा मैंने 2 इंच की लंबाई ज़्यादा रखी हुई है ऊपर वाले से। अब जैसे हमने 2.5 इंच का उधर निशान लगाया था आसन का, ऐसे ही हमने ये लगा के गोलाई कर दी है। अब हम दोबारा स्केल की सहायता से यहाँ पे एक स्केल आगे बढ़ा के, जो हमारा आगे वाला हिस्सा काटा हुआ है हमने उससे आगे बढ़ा के एक स्केल पूरा निशान लगा देना है। अब देखिए, जो हमने नीचे वाला हिस्सा 2 इंच ऊपर बढ़ाया था, वो सिर्फ हम आसन की लंबाई बढ़ाएंगे, वैसे आगे से लंबाई नहीं बढ़ानी, मतलब किनारे वाली साइड से नहीं बढ़ानी, जहाँ पर हमने आसन बनाया है हम वहाँ से उसकी 2 इंच लंबाई बढ़ा के निशान लगा के उसको कट कर देंगे। ये हो गई हमारे पैंट की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप आसानी से किसी भी नाप की पैंट बना सकते हैं।
हुडी पैंट आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप इसको डाल सकते हैं।